अस्सलाम वालेकुम, जिसमेरी मैं फारूक फ्रॉम कश्मीर। आज हम जा रहे हैं, यहाँ हमारे घर के बहुत ही करीब एक स्ट्रॉबेरी का बाग है, तो उधर से हम बच्चों को लेके जा रहे हैं एक एक्टिविटी करवाने के लिए, स्ट्रॉबेरी पिकिंग। एक्चुअली आपने देखा होगा जो हमारा स्ट्रॉबेरी मास्क है वो भी नेचुरल स्ट्रॉबेरी से ही बनता है। तो आइए चलिए चलते हैं स्ट्रॉबेरी बाग की तरफ। अच्छा जी, तो जब भी मैं जा रही होती हूँ मैं अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ पूरी टीम होती है। पूरी टीम कश्मीर हमारे साथ जा रही है और ये हमारे जमात अली है, ये देखें, और जमात अली लेके जा रहे हैं हमें स्ट्रॉबेरी फार्म पे। ऐसा ही है जमात अली एन जी। चलो जी गड्डी से बैठ जाओ सारे। ओके जी बैठो। कहाँ जा रहे हैं बच्चों हम सब? स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए एक बड़ी फन एक्टिविटी होती है, इससे बच्चे नेचर से जुड़े रहते हैं और मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ जाता है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में मैं उनका दिल बहलाती रहती हूँ ताकि वो कभी भी हमसे बोर ना हो। हम खुद उनके लिए, मैं और बच्चे एक एंटरटेनमेंट चैनल है, तो हर रोज हम उनको राजी कर लेते कभी कुछ करने में, या हर रोज ही पिकनिक चल रही होती। सारे बच्चे रेडी है फन के लिए? चलो जी लेट्स गो। Yes, we're gonna pick some strawberries. Strawberries से जैम भी बनता है, by the way. आपको पता है ना? Yes, आपको strawberries बहुत पसंद है ना, Serena? Yeah, I love. फार्म एरियाज में रहने का ये बहुत फायदा होता है कि ओपन आपको लैंड में, फील्ड में पत्तों के बाग नजर आते हैं, अमरूदों के, तो ये सारे इसके से हमारे जो फार्म्स हैं इन्होंने ये चीज़ें लगाई होती हैं। हम बड़े शौक से जाते हैं इनको विजिट करने के लिए और ये आपके लिए, हम सबके लिए एक्चुअली ये इनका बिजनेस है क्योंकि ये फल उगाते हैं और फिर हम वो उसको फल खरीदते हैं और खाते हैं। तो ये आई थिंक इंसान की नरिशमेंट जो फल है वो इंसान की न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी पूरी करता है। आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी में नेचुरली सैलिसिलिक एसिड होता है। अब मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स वहाँ जाके बताती हूँ कि स्ट्रॉबेरी के इटसेल्फ कितने फ़ायदे होते हैं। तो ये देखिए आप, सिर्फ आपको सिर्फ खूबसूरती नजर आएगी, बिल्कुल देहात गांव का जो एटमॉस्फेयर होता है आउटडोर का वो पूरा ही आपको सब यहाँ पे नजर आएगा। छोटा छोटा बेबी कहाँ जा रहा है? छोटा छोटा बेबी क्या? ये देखो टनल फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, इसको कहते हैं टनल फार्मिंग। ये सब प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से और एक्सट्रीम वेदर से। अच्छा जी, तो ये अब हम सब आ गए हैं, बच्चे उतर रहे हैं गाड़ी से। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ सरसों के भी बाग हैं और साथ में स्ट्रॉबेरीज भी हैं, तो हम दोनों चीज़ों को बच्चों को इनसे फेमिलियर कराएंगे। नेचर में घूमते हैं फिरते हैं, इनको आइडिया होता है, उसी तरह इनकी पर्सनैलिटीज पर भी इनका बहुत अच्छा असर होता है। तो ये मैं, बच्चे और टीम कश्मीर जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने। आ जाओ। ये देखो, ओह वाह, ये क्या है सरीना? ये देखें जी, ये पपीते लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत। अब जब मौसम आएगा तो ये रेडी होंगे। इसी तरह इन्होंने बड़ी प्लांटेशन की हुई, हमने भी अपने घर में पपीते लगाए हुए हैं ना सरीना? तो ये आप देखें कि बच्चों के लिए कितनी हेल्दी एक्टिविटी की हमें पूरा वहाँ तक चल के जाना पड़ा है। खुले में ये मौसम इतना ज़बरदस्त है, तो बच्चे जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहते हैं उनका मूड, उनकी पर्सनैलिटीज़ बड़ी अच्छी तरह डेवलप होती हैं। तो हम सबको चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों की लाइफ में डालें ताकि उससे ये होता है कि बच्चों को नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ों की समझ में आती है, उनको पता लगता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ उनकी सेहत के लिए अच्छी है। तो इस तरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनते हैं। ये देखिए भाग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए आप पूरी ये टीम पीछे चलती हुई आ रही, वो आगे तक आपको टीम नज़र आएगी। इतने सारे लोग हम साथ जुड़ जाते हैं ये चीज़ें करने के लिए, तो इससे हम सब की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सारा दिन कंप्यूटर से काम कर करके तो इस किस्म के हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं ताकि स्टाफ का मूड भी बेहतरीन रहे। हाँ,
तो ये देखिए जी, तो ये आ गए हम। हाँ लुक लुक लुक, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये अभी थोड़ी कच्ची है। डोंट स्टेप ऑन इट, इसके ऊपर नहीं रखना, पैर नहीं रखना। अभी स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी कच्ची हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो रेड रेड वाली है, सरीना अमल इसके ऊपर नहीं खड़े होना, जो रेड रेड वाली है वो हम उतारे। ये देखो इधर है, हाँ ये देखो जी, ये है रेड सी, ये भी है। कच्ची नहीं तोड़नी, वो खा भी गई, वो देखो भाई आपको उतार के देंगे। वेरी गुड, ये वेरी गुड, ये भी वेरी गुड। ओह स्ट्रॉन्ग सरीना, यू गॉट स्ट्रॉन्ग हैंड। ओह वेरी गुड, चलो आगे। ओके ये देखें जी, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। सीजन शुरू होने से पहले ही हमने इनको फार्म वालों को वक्ता डाल दिया, तो कल ही ये मेरा ख्याल यहाँ पानी लगा है। और ये देखें ये सारे तो ये पूरी एक्टिविटी हो रही है जी। अच्छा तो स्ट्रॉबेरी के अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है, ये आपके स्किन डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, एक्ने को बनने से रोकती है, इसको खाना भी बहुत अच्छा होता है। बेरीज में नेचुरली ऐसी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सारी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। और ये मैं आपको बताऊँ, मुझे तो थोड़ा सांस भी चढ़ गया कि इतनी कोई हैवी एक्टिविटी है, फुल अंदर घुस के ये चीज़ें हम निकाल रहे हैं और पूरा एक अलग ही एक्टिविटी है। ऊपर से पानी जो है, ये देखें जूतों का ये हाल है, ये देख लें आप। तो ये इस तक इतना आपको फुल प्रिपेयर्ड आना चाहिए इस टाइप की चीज़ के लिए कि आप लोग ये करने लगे हैं। ये देखो जी कितनी प्यारी और रेड, ये देखें लवली ब्यूटीफुल रेड स्ट्रॉबेरी। सो दिस इज ओके। और ये जो हमारे गांव के सारे लोग हैं वो हमें देख रहे हैं, बड़े फैसिनेट हो रहे हैं। ये देखें ये लोग हैं सारे और कह रहे होंगे हम आ गए इनकी फील्ड्स में तो ये चीज़ें करने के लिए। आ जा सरीना, सरीना जी बहुत ब्रेव बनी है। सरीना दो चार दफ़ा गिरी भी है लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एंड शी स्टिल पिकिंग। सरीना वो देखो आके पीछे, गो बैक, नहीं नहीं पीछे, हाँ गुड गर्ल गुड गर्ल, ये यहाँ से उतारो। शुक्रिया, वेरी गुड गर्ल, अल्लाह हाफिज। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और अब हम जाएंगे थोड़ा सा बच्चों को सरसों का खेत दिखाएंगे, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो आज की हमारी ये एक्टिविटी थी, बच्चों ने और मैंने बहुत इंजॉय किया, स्टाफ ने इंजॉय किया। ये देखें आप कितने खूबसूरत सरसों के बाग है, यहाँ थोड़ा सा हम सरसों में फूल भी उतार के लेके जा रहे हैं। सरसों है ये यूं उगरा होता है, ये इसके फूल ऊपर होते हैं लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना इसमें बीज होते हैं, ठीक है ना। सरसों के फिर उसको कूट के उसका सरसों का ऑयल बनता है। ये देखें तो ये सारी अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं, ठीक है ना। इस पर अभी मार्च में इसका सीज़न शुरू होगा तो पत्ते आएंगे, साथ ही अंगूर आएंगे इस पर। तो जैसे ही वो सीज़न आएगा मैं आपको यहाँ फिर लेके आऊँगी, हम आपको थोड़ी सी अंगूरों की पिकिंग भी करके दिखाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं अपने साथ साथ इन्वॉल्व रखती हूँ, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। मुझे खुद नेचुरल फार्मिंग का बड़ा शौक है तो इन चीज़ों से मैं बड़ा खुद कुछ सीख रही होती हूँ कि मैंने आगे चीज़ें कैसे करनी है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जैसे पूरी थकान दूर हो गई है, इंसान आता है अपने
शहर से दूर, मैं तो खैर रहती ही शहर से दूर हूँ, फार्म हाउस पे रहती हूँ, तो जब मैं इर्द गिर्द आती हूँ और ये चीज़ें देखती हूँ तो मेरी इतनी जहन पे सुकून रहता है कि मैं सारा सारा दिन यहाँ पे गुजार सकती हूँ। तो आप लोग उनको भी कोशिश करनी चाहिए, नेचर से करीब बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएं, खुद भी नेचर के करीब रहें, उससे आपकी जहन, माइंड और स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह की और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए, बच्चों की देखभाल, खाना पीना, ये सारी चीज़ें स्किन केयर से रिलेटेड मैं आपके पास हाजिर होती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट से आगाह कीजिए कि हम आपके लिए और क्या बेहतरीन चीज़ें लेके आ सकते हैं। देखिए शहर की चीज़ों में रहते हुए हमें ये लगता है कि यहाँ लोग कैसे बसते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पूरा पूरा दिन इनका कामों में गुजरता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी सुबह उठ के सुबह 9 बजे तक इनका पूरा काम ख़त्म हो जाता है। जो इन्होंने पानी लगाना होता है या जो भी चीज़ें करनी होती है, फ्रूट पिकिंग करनी होती है, वो सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे जो है धूप अपने अरूज पे होता है और धूप की जो शुआएँ वो बहुत तेज़ होती हैं। तो कुदरती तौर पे आप देखें फार्मर्स की कितनी ये अकलमंदी है इस चीज़ में कि सुबह 9 बजे से पहले काम रैपअप करते हैं, उसके बाद असर के बाद जब धूप अपनी तपिश छोड़ती है उसके बाद फिर ये फील्ड्स में दोबारा उतरते हैं और मगरिब से पहले पहले काम वाइंड अप हो जाता है। तो आप ये देखें कि सुबह जल्दी उठना, अच्छे खाने खाना, अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखना, जिससे सुबह ये इन आप सोचें ये कितने फिट होते हैं जो हमारे फार्मर्स होते हैं, क्योंकि सारा दिन ये हेल्दी ये काम करते हैं और हेल्दी खाते हैं, उसकी वजह से ये अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम सबको इनका शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें आपके हमारी ख़वातीन कितनी मेहनती होती हैं, पूरा दिन अपने फैमिलीज के साथ फील्ड में काम करती हैं, उनको खाना पका के देती हैं, सारे जानवरों का काम करती हैं और इतनी मेहनती होती हैं। और आप देखें कि ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए कि काम करने से बिल्कुल नहीं रुकती और फिट रहती हैं ये ख़वातीन। आप देखें तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हम सबका, ये शहरों में रह के ये चीज़ें कर करके हम जीते तो हमसे तो हिला नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता। आप देखिए ये सारा सारा दिन इतनी मजबूती से काम करती हैं, तो ये है हमारी रियल इंस्पिरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो हमें इनको देखना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि हम ज़िंदगी में और बेहतर क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ सारी टीम थक चुकी है लेकिन मैं आपके सामने अभी भी बिल्कुल फ्रेश बैठी हुई हूँ। इसके बाद मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, पूरे दिन का काम करूंगी और उसके बाद भी मुझे थकावट नहीं होती। तो ये रीज़न होता है अच्छी खुराक खाने का, ये रीज़न होता है अपने आप को मेंटेन रखने का। आप जितनी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, मल्टी विटामिंस खाया करें, फ्रूट्स खाया करें ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे और हमेशा थकावट ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।